मंगलवार को जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन डीएम बैद्यनाथ यादव ने किया। डीएम बैद्यनाथ यादव ने उद्घाटन सत्र के दौरान जिले वासियों को 30वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने जल जीवन हरियाली के समर्थन में 19 जनवरी को बनाए जाने वाले मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन हारून राशिद गाफिल जी ने किया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने डूमर लाल बैठा अजीमुद्दीन पूर्व विधायक मोहम्मद यासीन सहित अग्रिम पंक्ति के अन्य नेताओं को याद करते हुए नमन किया और कहा कि जिला चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अररिया पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वहीं जीप अध्यक्ष ने मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए। वह एसडीओ रोजी कुमारी ने भी मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की। इस अवसर पर एनडीसी सह जिला मुअर्जन पदाधिकारी मुकेश कुमार मुकुल ने जिले में संचालित व प्रस्तावित विकास योजनाओं का लेखा जोखा रखा। टाउन हॉल परिसर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी जायजा लिया। इस अवसर पर आयोजित ऋण मेला में एसबीआई सहित अन्य बैंकों द्वारा लगभग 4.5 करोड़ के ऋण भी स्वीकृत किए गए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर, डीआरडीए निदेशक अनिल कुमार झा, डीपीओ बालेश्वर यादव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सुबोध कुमार, आईसीडीएस डीपीओ सीमा रहमान, जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक मिश्र, वरीय उप समाहर्ता शंभू कुमार व जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। हम इस मंच से धन्यवाद करते हैं बिहार सरकार को भी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को भी, जिन्होंने अररिया पर अपना विशेष ध्यान दिया और अररिया पर कई तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट दिए जिसकी वजह से अररिया काफी आगे की ओर अग्रसर है और आने वाले दिनों में रोजगार से जुटे। हम अभी वर्तमान में अररिया का मेडिकल कॉलेज है और इसमें यहाँ के आम जन का सहयोग रहा है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम अथवा सरकारी काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक लोगों का सहयोग नहीं हो। अररिया को सुंदर बनाने के लिए अररिया जिलावासियों का भी बड़ा सहयोग रहा है। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष अररिया श्री आफ्ताब अजीम साहब, हमारे मंचासीन और समाहर्ता मंचासीन सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी गण, साथ ही साथ इस कार्य उपस्थित हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए तमाम हमारे युवा के साथ साथ देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों और मीडिया के प्रतिनिधि, लेकर आज तक उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उस समय से आज तक तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विधायक, माननीय मंत्री महोदय, सारे पदाधिकारियों को शुभकामना और उनको आभार व्यक्त करता हूँ। आज अररिया जिला अपनी एक अलग पहचान में है। वैसे जिले में नेपाल से आने वाली कई नदियों के कारण समय समय पर बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण हमारे आधार संरचना प्रभावित होती है, जिसके कारण थोड़े से विलम्ब जरूर हो जाते हैं हमारे आधार संरचनाओं सुदृढ़ करने में, लेकिन वह बाढ़ का पानी हमारे लिए अच्छी मिट्टी लाने के कारण तो बड़ा शक्ति बढ़ाती है। इसीलिए उसे अभी हम सम्मान करें, क्योंकि वो बड़ा शक्ति हमारे ऊपर खेतों में जो अधिक उपज लाती है वो हमारे किसी क्षेत्र में समृद्धि का कारण भी है। विद्युत, हर घर विद्युत लगातार, उसके बाद सड़कों के बारे में और खास करके अवसर बढ़े आगे बढ़े, मैं इसकी चर्चा विशेष रूप से करना चाहूंगा। अवसर बढ़े आगे बढ़े में हरेक जिले में अभिवर्ण महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, हमारे हरेक अनुमंडल में एएनएम, ये सारे संस्थानों पर हमारा कार्य शुरू हो गया है। हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज पढ़ाई भी आरम्भ हो गई है, यानी कॉलेज में कार्य आरम्भ हो गए हैं। और जैसा कि सांसद होने चर्चा की, चिकित्सा महाविद्यालय के दिशा में भी हम लोगों ने कार्यवाही कर दी है और वो भी अपने समय पर उसमें भी अपेक्षित प्रगति होगी। इसलिए हमारे जिले की बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए हम स्वागत करें कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज की संभावना बनी है। हमारे बहुत बड़ा गिफ्ट है और यह आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी चर्चा करना हमारे लिए सुखद है। मैं इसके लिए पुनः अपने समस्त जिलावासियों को और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ।
जो वोट नहीं भी दिया है उनका भी मेरे साथ से उनका भी मैं दिल जीत करके सबका काम करना चाहता हूँ। सब मिलजुल करके एक नया अररिया बने इसका चिंता हम लोग दिन रात करते हैं। मित्रों, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे वो मक्का का फसल हो, मैंने सरकार की बात रखी है देश के अंदर। और अभी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे भी मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, पढ़ाई शुरू हो गई, यही रामपुर पुलकट्टी कर गया, एक इंजीनियरिंग कॉलेज सिमरहा में बन रहा है और मेडिकल भी हो जाएगा जब ये सब। हमारी अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड 0 माइल अररिया।